क्या कर रहे हैं हम लोग अभी देखें क्या बीटीएसटी के लिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि अपना यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं किस मिनट रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है। इवन हम बोले थे ना एक बार टच दो बार टच, देखिए ठीक उसी रेसिस्टेंस पे जाके गिरा। अगर इसमें भी हम लोग ट्रेडिंग कर पाते तो क्या रेसिस्टेंस पे जाके सेलिंग आया तो क्या हम लोग यहाँ भी पैसा नहीं बना सकते थे, बन जाता ना, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ डायरेक्ट तो ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा ना। इवन क्या यहाँ भी इसका रेसिस्टेंस है, डबल कंफर्मेशन हो गया। फिर यहां पे अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी क्या रेसिस्टेंस ही है। तो हर जगह से क्या प्रूव हो रहा है कि मार्केट नीचे गिरना चाहता है, ये नीचे गिरा, अब यहां पे मार्केट आके क्लोज हुआ। फिर यहां से मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ये रिजेक्ट होकर यहां से गिरा। ये कहां से रिजेक्ट हो रहा है, अपना रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के पास गया, गिर गया वापस, मार्केट नीचे गिर के अब ऊपर जा रहा है ना। देखिए अभी ये लाइव है ना, अब इसके बाद इसका ये रेसिस्टेंस तो टूट चुका है, अब यहाँ पे और एक रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के पास जाएगा, देखिएगा फिर यहाँ से गिरने की कोशिश करेगा। इवन ये जो लो है मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग जोन बन चुका था मार्केट का, ये सपोर्ट के पास देखिए प्रॉफिट बुकिंग आने लगा। अब अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो अगर अभी तोड़ता डायरेक्ट नहीं ले पाते हम लोग एंट्री, हम लोग क्या करते हैं वेट करते हैं रेंज बनने का। रेंज बनने का फायदा क्या है, रेंज बना अगर ब्रेकडाउन आया तो अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग फिर वापस दोबारा एंट्री ले सकते हैं, वरना अगर डायरेक्ट टूटता यहाँ पर हम लोग एंट्री लेते तो अपना या तो ये स्टॉप लॉस होता है, ये स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम लोग हमेशा से वही ट्रेड लेंगे जहाँ पर हम लोग को एक छोटा स्टॉप लॉस आने का जगह मिले, ताकि इनकेस अगर मार्केट रिवर्स भी होता है छोटा लॉस लेके निकल जाएगा। क्लियर हुआ।